speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in my कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे मैं भी ठीक हूँ सुबह का टाइम है सुबह सुबह मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ आजकल जो बहुत ही गर्मी पड़ रही है तो सुबह उठते ही बाहर आने का मन होता है बहुत ही ठंडा ठंडा सा माहौल होता है और यहाँ पर ये सारे जो गमले है पौधे है मैं नीचे की तरफ रख दिया है क्योंकि ऊपर की तरफ सुबह सुबह से ही बहुत कड़ी धूप आना शुरू हो जाती सारे पेड़ पौधे सूख जा रहे इसीलिए मैंने सारे जो नीचे की तरफ अरेंज कर दिए कुछ कुछ यहाँ पर रखे क्योंकि जो दीवार है इसकी छाव आती है इसीलिए यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते सुबह का टाइम है तो सारी धूप इतनी आ चुकी है इसीलिए मैंने सारे गमले को यहाँ पर रख दिया तो जब मैं चाय नाश्ता कर रही थी उससे पहले जो कपड़े का लोड मैंने मशीन में लगा दिया था ताकि मैं घर का छोटा मोटा और काम करूं तो ये सारे कपड़े हैं वो धुल जाए तो कपड़े भी वॉश हो चुके हैं तो इसको सुखा देती हूँ और आजकल इतनी जो गर्मी पड़ रही इतनी तेज़ धूप होती कि एक घंटे के अंदर ही जो सारे कपड़े है वो सूख जाते हैं तो सारे कपड़े हैं वो मैंने सुखा दिए इसके बाद दो ये मिट्टी के बर्तन है इसको मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर, कर फिर से पानी भर दिया है और मिट्टी के बर्तन में ही पानी भरती हूँ ताकि पानी ठंडा रहे दोपहर के टाइम इतनी तेज़ धूप लगती है कि सारे पक्षी चिड़िया वगैरह यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं तो पानी भी मैंने भर कर रख दी इसके बाद यहाँ पर जो सारे मुझे डस्टिंग क्लीनिंग करनी है तो ये सारे मैंने नीचे की तरफ इस तरीके से रखे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि नीचे क्लीनिंग करने में जो फिर आड़े आ रहा था थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पर विंडो में अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया और यहाँ पर भी छोटे छोटे जो पौधे रखे वहाँ पर भी मैं हटा कर पूरा क्लीन करूँगी क्योंकि बाहर की तरफ मिट्टी ही इतनी उड़ती है तो मैं काम को डिवाइड कर देती हूँ तो आज सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया है बाहर का काम स्टार्ट किया है करना और ये वाली जो ट्रे है जो कि खराब हो चुकी है तो मैंने इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया तो इसके अंदर गमला बहुत ही प्यारा एंड सुंदर लग रहा है अगर ये ट्रे को मैं फेंक देती इससे अच्छा है कि इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया तो देखने में ये वाला सूर्य बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पर पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया साफ कर दिया और इसके अंदर भी मैंने जो कुछ नए पौधे हैं वो लगा दिए हैं तो इस तरीके से मैंने किचन के विंडो में टैंकर रखा है अब देखती हूँ अंदर थोड़ा मुझे अंधेरा तो आ ही रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर रखा है बाद में कुछ इसको देखूँगी और उसके बाद जो सारे गमले इसके अंदर जो मिट्टी है इसको मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ इस तरीके से करने से जो सारे पेड़ पौधे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और बहुत सारे जो पौधे हैं वो सूख गए क्योंकि बहुत कड़ी धूप मेरे आंगन में आती है और ऊपर की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा आती है इसीलिए मैंने सारे गमले को नीचे की तरफ यहाँ पर रख दिया है अब बाद में मैं देखूँगी ठंडी की सीज़न में और बरसात में ऊपर रखूँगी तो रखूंगी लेकिन फिलहाल के लिए सारे गमले मैंने नीचे ही उतार लिए है और सारे गमले के अंदर मिट्टी मैंने ऐसे ऊपर नीचे कर दी है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे इसके अंदर फूल भी आए हुए ये चंपा का फूल इसके अंदर जो भी फूल आते हैं अभी कली हुई है दो तीन फूल थे वो मैंने उतार लिए है तो सारे जो गमले का काम था वो मैंने कर दिया आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा किचन में अंधेरा आ रहा है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो यहाँ पर दूध भी बच गए इसको मैंने निकाल कर रखा है इसको अभी फ्रिज में रखना है तो अभी देखती हूँ फिलहाल के लिए तो इस तरीके से रखा है लेकिन मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है अब देखते बाद में और जो दूध बच गया इसको भी मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया ताकि ख़राब ना हो जाए इसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में सबसे पहले जो ये वाला दरवाज़ा और विंडो है इसको मैं खोल देती हूँ ताकि ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आए एयर पास हो इसीलिए सबसे पहले गर्मियों के दिन है तो ये सारे विंडो और दरवाज़ा सारे मैं खोल देती हूँ ताकि अच्छी फ्रेश हवा आए तो बेडशीट तो आज मुझे चेंज नहीं करनी है अभी दो दिन ही हुए है तो मैं बाद में करूँगी ऐसी जो बेडशीट को झाड़ कर वही बेड शीट है इसको मैं सेट कर दूंगी तो जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो घर की क्लीनिंग मैं बाद में ही करती हूँ तो सबसे पहले आज मैंने वैसा ही किया आंगन के अंदर जो मुझे सारे गमले वगैरह क्लीन करने थे बाहर की तरफ सफाई करनी थी वही सारा मैंने निपटा दिया फिर क्या होता है कि बाहर की तरफ जो धूप जल्दी आ जाती है घर का काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ इसीलिए जो बाहर का काम जब भी मुझे निपटाना होता है तो सबसे पहले मैं वही निपटाती हूँ ताकि धूप कम से कम मुझे लगे तो बेड को भी मैंने बना दिया इसके बाद जो बेडरूम का दरवाजा है इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा झाड़ लेती हूँ क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी इसके ऊपर आ ही जाती है तो जो घर के सारे काम होते हैं इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि सारा काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता इसलिए डिवाइड कर कर ही हम गृहिणी जो सारे घर का काम है इसको निपटाते हैं तो दरवाजे को अच्छी तरीके से झाड़ने के बाद आ गई हूँ बालकनी में ये वाले जो विंडो इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैं झाड़ दूँगी क्लीन कर दूँगी ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए और न्यूज़पेपर आप देख सकते मैंने ऐसे सेलो टेप से चिपकाए हुए क्योंकि फिर जो सोते हैं तो बहुत ही उजाला उजाला दिखाई दे रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पर कांच के ऊपर न्यूज़पेपर चिपका दिए ताकि जब विंडो बंद करें तो फिर बिल्कुल भी घर के अंदर उजाला ना दिखाई दे तो यहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग है वो सारी मैंने निपटा दी इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की तो यहाँ पर बेडरूम में मैं झाड़ू लगा दूंगी इसके बाद मेरे बेटे का रूम है वहाँ पर भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया है साफ़ कर दिया है वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूंगी तो सुबह सुबह इसी तरीके से मैं फटाफट से जो सारे घर के काम है मेरी कोशिश यही रहती कि फटाफट से सारे निपटा दूं फिर अगर बैठ जाए तो बात अलग है वरना ज़्यादातर सुबह के टाइम में बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ अगर बैठ जाते तो सारा काम फैला रह जाता इसीलिए सबसे पहले मैं काम को ही निपटाती हूँ इसके बाद आ गई हूँ बाहर आंगन में यहाँ पर जो गमले रखे हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मैं क्लीन करूँगी साफ़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने मिट्टी ऊपर नीचे किए तो थोड़ी बहुत तो गिर ही जाती चाहे हम कितना भी ध्यान रख ले, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो नीचे ही गिर ही जाता है तो वहाँ पर भी मैंने अच्छी तरीके से पूरा साफ़ कर दिया है क्लीन कर दिया इसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर कपड़े तो मैंने धो लिए लेकिन मुझे लग रहा था कि ये वाले जो कवर बहुत ही मैले हो गए तो बस वही मैं निकाल रही हूँ तो एक सोफ़ा है इसके पीछे का जो मैंने रहने दिया फिर सारे मशीन में आते नहीं और यहाँ पर आप देख सकते कितना जो कचरा नीचे की तरफ़ गिरा हुआ है तो सबसे पहले इसी को मैं क्लीन करूँगी साफ़ करूँगी हमें पता नहीं चलता है लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा बहुत हम खाते तो गिर ही जाता है पता ही नहीं चलता तो सारा यहाँ पर ऐसे में इकट्ठा कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा इतना जो सारा कचरा है वो निकला हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ करीब से तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरा सोफ़ा इसको क्लीन कर दिया साफ़ कर दिया इसके बाद ये वाले जो कवर है इसको मैं डाल देती हूँ मशीन में धुलने के लिए घर के अंदर अभी मैं खाना बनाने की कुछ तैयारी करूँगी छोटा मोटा काम करूँगी तब तक ये कवर है वो धुल जाएंगे तो इसको मैं डाल देती हूँ मशीन में तो बाहर मशीन भी आप देख सकते मिट्टी वगैरह ज़्यादा उड़ती है तो धूल वाला हो चुका है हाथ क्या इसको भी मैं अच्छे से पानी से जो क्लीन कर देती हूँ तो कपड़े को मैंने गीला कर दिया अच्छी तरीके से पूरा जो मशीन है इसको मैं पोछ लूँगी ताकि मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए क्योंकि मशीन मेरा बाहर आंगन में है तो फिर इसके ऊपर मिट्टी ज़्यादा ही उड़ती है तो अच्छी तरीके से मशीन को भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया साफ़ कर दिए अब आ गई हूँ किचन में यहाँ पर चावल है वो भी भिगो दिए आज जो पनीर टिक्का का मसाले की सब्जी है वो बनानी है तो यहाँ पर दूध भी मैंने बाहर निकाल लिया है आटा है जो पराठे का वो मैं यहाँ पर बना कर रख दूँगी उसके बाद फिर सब्जी बनाऊँगी तो डो को बनाकर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि पराठे फिर सॉफ्ट बने तो यहाँ पर थोड़ा सा जीरा डाला है स्वाद के अनुसार नमक डाला है थोड़ा सा मोइन के लिए तेल डालूँगी ताकि खस्ता बने पराठे तो पराठे का डो है वो मैं बना कर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए तो बस इस तरीके से पूरा दिन का जो घर का काम करते करते समय कहाँ से कहाँ निकल जाता है हम गृहिणियों को पता ही नहीं चलता है और कहने को लोग को लगता है कि पूरा दिन घर पर पड़ी रहती क्या ही काम होता है लेकिन जो एक हाउस वाइफ होती उससे पता चलता है कि घर का काम नेवर एंडिंग होता है तो जो लोग बोलते हैं कि कुछ घर पर काम नहीं होता इसको मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को थोड़े दिन के लिए करना चाहिए आपको पता चले कि बाहर का काम अच्छा है या फिर घर का काम अच्छा है घर के काम जो गृहिणी करती उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती अगर आप लोग जॉब करते तो वहाँ पर आपको कम से कम एक दिन की छुट्टी तो मिलती है लेकिन गृहिणियों को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है खैर छोड़ो इन बातों को सब लोग ऐसे नहीं होते कोई कोई की ही मैं बात कर रही हूँ और यहाँ पर चौक पर में इसके अंदर मैंने ऑनियन टमाटर काजू वो सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी है इसकी मैं पेस्ट है वो बना लूँगी इसके बाद यहाँ पर जो पैकेट है मसाले का इसके अंदर दूध डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर कर इसको मैं साइड में रखूँगी तो आज पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही मैं बहुत बार कर चुकी हूँ तो बस तेल गर्म होने के बाद जो ग्रेवी बनाकर मैंने रखी थी वो डाल दी है अच्छे से पूरा इसको मिक्स करूँगी थोड़ा सा पानी इसी के अंदर डालकर मैंने डाल दिया है इसके बाद इसको अच्छी तरीके से तीन या चार मिनट तक पका लिया है इसके बाद जो मसाले का पैकेट था दूध डालकर हमने रखा था वो डाल दिया है तो थोड़ा सा इसके अंदर आप चाहे तो रसा के लिए पानी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला था इतना गाढ़ा ही मुझे चाहिए तो बस ये पक चुका है इसके बाद लास्ट में जो पनीर के टुकड़े हैं वो मैं डाल देती हूँ तो सब्जी हमारी हो चुकी इसको मैं साइड में रखती हूँ इसके बाद जो गर्मा गर्म मुझे पराठे बनाने हैं वो मैं बनाऊँगी तो उसके लिए देसी घी है वो मैंने ले लिया है तो मेरा बेटा आ गया गर्मा गर्म एक एक पराठा उसको बनाकर दे दूँगी मेरे हसब आएंगे तब हम दोनों साथ में खाएंगे तो मेरे बेटे को मैं दे देती हूँ क्योंकि उसको कभी कभी दो बज जाते सवा दो बज जाते तो मेरे बेटे को खाना दे देती हूँ हम दोनों साथ में खाते हैं कभी कभार ऐसा होता उसको बहुत ज़्यादा लेट होता है तो वो मुझे कॉल कर कर कह देते कि तुम खाना खा लेना तो मैं और मेरा बेटा साथ में ही बैठ जाते खाना खाने के लिए तो यहाँ पर जो पराठे है वो बना लेती हूँ तब तक मेरे हस्बैंड है वो आ जाएंगे और सोफा के जो कवर मैंने सुखाए थे वो भी सूख चुके बाहर की तरफ इतनी धूप है कि एक घंटे के अंदर ये कवर है वो भी सूख चुके हैं तो करीब शाम के चार बजे का वक्त है यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है वो भी ऑफिस फिर से चले गए ये जो सोफा के कवर इसको अच्छी तरीके से पूरा मैं सेट कर देती हूँ तो थोड़ा सा दीवार की ओर है तो मुझे खिसका कर इसको अच्छे से अरेंज करना पड़ता है तो ये सारे कवर इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ yeah, तो मेरे पास सोफा के ये एक ही कवर तो इसको मैं जब भी वॉश करती हूँ तो या तो फिर रात के टाइम निकाल देती हूँ या फिर सुबह के टाइम जब सब चले जाते उसके बाद निकालती हूँ और वापस आए तब तक सूख जाता तो फिर से लगा देती हूँ तो मुझे दूसरे खरीदने लेकिन अब देखती हूँ कब दूसरे खरीद पाऊँ उसके बाद मैंने बालों को वॉश भी कर दिए शाम का वक्त है शाम के करीब साढ़े पाँच बजे का टाइम है हम माँ बेटे चले गए शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ पर आ गई हूँ भूज यहाँ पर मॉल में आई हूँ मेरे बेटे को कुछ कपड़े खरीदने थे तो बस उसी के साथ आई हुई तो वो देख रहा है और मैं हाथ में लेकर घूम रही हूँ इस तरीके से जो वो पसंद कर रहा है मैं हाथ में पकड़ रही हूँ अब देखूँगी मैं आई हूँ तो खुद के लिए भी कुछ टी शर्ट वग़ैरह ले लेती हूँ तो ये मेरे बेटे ने पसंद किए मैं हाथ में ऐसे पकड़ कर उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ तो यहाँ पर भी ये सारे चप्पल वगैरह थी इसको मैं देख रही थी मेरे बेटे को बोला यहाँ से लेना है लेकिन उसने मना कर दिया उसके बाद मैं भी थोड़ा सा देखने आई थी कुछ टी शर्ट वगैरह वो मैंने खरीदे है मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी तो कपड़े की शॉपिंग करने के बाद हम लोग एडिडास का शोरूम है वहाँ पर चले गए थे लेकिन मेरे बेटे को वहाँ पर बिल्कुल भी जो पसंद नहीं आए वो सारे देख रहा था लेकिन फिर वहाँ से हमने कुछ भी नहीं फिर बाजू में ही दूसरा शोरूम है वहाँ पर हम लोग चले गए थे तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी मुझे भी लेना है इसीलिए मैं सारे यहाँ पर देख रही थी कि कौन सा अच्छा है नहीं है सबसे पहले मेरे बेटे को मैंने बोला तू ले, ले। तो पहले वो खरीद लेता है इसके बाद मैं देखूंगी मेरे लिए कि मुझे कौन से पसंद करने हैं तो ये वाइट वाले मुझे पसंद आ रहे थे लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत ख़राब हो जाएंगे तो फिर बार बार मुझे उसको वॉश करना पड़ेगा तो ये वाले पीच आप देख सकते इस तरीके का कलर है वो मैंने लिया है और थोड़ा सा वाटर ही लिया है ताकि इसके अंदर पानी न जा... तो मुझे इसी तरीके के जो ट्रैकिंग वाले शूज़ आते हैं वही ख़रीदने थे और इसके अंदर कम से कम पानी जाए इस तरीके के खरीदने थे इसीलिए बहुत ही कम वहाँ पर चूज़ करने के लिए ऑप्शन थे तो फिर ये वाला है वो मैंने खरीद लिया है तो मेरे बेटे का है ये लिया है और मेरे लिए ये वाले है वो ख़रीदे हैं कुछ कपड़े है वो भी मैंने ख़रीद लिए है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी तो इसको साइड में रखते हैं और ये डेरी मिल्क के जो डिमार्ट में से मैं एक पैकेट लेकर आई साथ में ले जाने के लिए छोटी छोटी जो डेरी मिल्क आती है वो है और मेरे बेटे ने जो तीन टी शर्ट है वो लिए हुए है तो ये सारे जो तीन में रख रही वो मेरे बेटे के है तो जो मैंने पहन कर दिखाया था वही वाले तीन टी शर्ट मैंने खरीदे है और ये मेरे शूज है ये वाले मैंने लिए है और मेरे बेटे का भी मैं आपको दिखाती हूँ इसका मुझे बहुत ही पसंद आया मेरे सूट से भी तो मुझे बहुत बहुत ही इसका जो पसंद आया और तीन टी शर्ट है वो लिए है मेरे बेटे ने और जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते तो वो ब्लैक कलर का लेता ही लेता है और तीन टी शर्ट है वो मैंने ले लिए है तो कुछ इस तरीके की जो शॉपिंग है वो मैंने की है क्योंकि हम लोग बाहर जाने वाले हैं तो मैंने शॉपिंग तो ज़्यादा तो ऑलमोस्ट कर ही ली है लेकिन फिर भी जब तक कि हम जाएंगे तब तक छोटी मोटी छोटी मोटी शॉपिंग हमारी चलती ही रहेगी चलती ही रहेगी तो इसके बाद तो ज्यादा कुछ नहीं लेना है बस ऑलमोस्ट हमने खरीद ही लिया है तो ये था आज का वीडियो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए बाय बाय